एरो इंडिया में इस वक्त मैं हूँ ब्रह्मोस के स्टॉल में। ब्रह्मोस पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये हमारी सरहदों की रक्षा के लिए तैनात है और दुश्मन के पास ब्रह्मोस का अभी तक कोई भी तोड़ नहीं है। हमारे साथ है ब्रह्मोस के CEO। हम उनसे बात करेंगे कि क्या नया चल रहा है। सर, स्वागत है आपका। लगातार प्रयोग होते रहे हैं ब्रह्मोस को लेके, अभी क्या नया चल रहा है? जी नमस्कार। ब्रह्मोस मिसाइल हमारी भारतीय सेनाओं में थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों में शामिल हो चुकी है। और जैसा कि आप जानती हैं, भारत जो ब्रह्मोस है ये एक भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। और इस उपक्रम में हमने भारतीय सेनाओं के लिए लगभग सभी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे पानी हो, या पानी के नीचे हो या हवा में हो, तो इन सब से थल एक जो टारगेट होता है, जो लैंड टारगेट होता है वो, और या जो शिप टारगेट होता है, तो इन दोनों के लिए मिसाइल बनाई हुई हैं। और जो ये मिसाइल है ये 290 किलोमीटर दूरी तक आक्रमण कर सकती है। और आपने पिछले साल सुना होगा कि भारतीय वायुसेना ने टाइगर शार्क नाम से एक स्क्वाड्रन भी तैयार कर दी है, जो हिंद महासागर में भारतीय हितों की रक्षा करेगी। और इसके साथ ही साथ एक वायुसेना जिसमें ब्रह्मोस जैसी लंबी दूरी की मिसाइल शामिल हो, वो विश्व की सर्वोत्तम वायुसेना बन जाती है, क्योंकि आज तक किसी भी वायुसेना ने इस प्रकार की मिसाइल अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स पर शामिल नहीं करी है। और दूसरी सेनाओं के पास इस तरीके के हथियार हैं, लेकिन वो उनके बॉम्बर्स पे लगाते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट पे नहीं लगाते हैं। तो ये इस मिसाइल की विशेषता है। और Sukhoi-30 ब्रह्मोस के साथ एक दुनिया का सर्वोत्तम और सर्वाधिक डर पैदा करने वाला हथियार बन जाता है। और इसके साथ ही साथ हमने ब्रह्मोस के एक नए संस्करण को भी बनाया है, जिसको हम कोस्टल सिक्योरिटी के रूप में शामिल कर रहे हैं। और कुछ महीनों पहले जो DAC है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उन्होंने भी इंडियन कोस्टल सिस्टम की परमिशन दी है, अप्रूवल दिया है, और हम उस दिशा में भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं। तो ये एक नया संस्करण होगा और जो हमारे भारतीय तटों की रक्षा करेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो इस समय हमारे लगभग 1500 एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके कंट्रीब्यूशन से, जिनके सहयोग से मिलके इस मिसाइल का निर्माण होता है, और हम लगभग 200 भारतीय कंपनीज़ को हमारी सप्लाई चेन में हैं, जिनको हम रोज़गार देते हैं। लगभग 20,000 लोग हैं जिनको हम परोक्ष रूप से भी नौकरियां प्रदान करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री का एक आत्मनिर्भर भारत होने का संकल्प है, तो उसमें ब्रह्मोस का सर्वाधिक योगदान है। हम लगभग 65-70% तक ब्रह्मोस मिसाइल को भारत में बनाते हैं, और जो ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम है वो 100% भारत में बनता है। तो आत्मनिर्भर भारत में ब्रह्मोस का योगदान सबसे अमूल्य है। और जो मेक इन इंडिया का संकल्प लिया था हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारी सरकार ने, तो हम उस दिशा में पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और इसमें DRDO, ब्रह्मोस और जो बाकी भारतीय कंपनियाँ हैं वो सब मिलके योगदान कर रही हैं, और हमें लगता है कि भविष्य सुनहरा होगा। और भी ज़्यादा मिसाइल हम बनाएंगे, और भी ज़्यादा इंडिजिनाइजेशन होगा। थैंक यू।